विधायक के साथ फोटो खिंचवाने वाले लगा रहे शासन को लाखों का चूना। सरकारी सामान व उपकरण कबाड़ी को बेचने का मामला आया सामने। मध्य प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कर्मस्थली दतिया भौगोलिक दृष्टि से दिन प्रतिदिन प्रगति और विकास की नई इबारत लिख रही है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विधायक डॉक्टर मिश्रा निरंतर प्रयासरत हैं, परंतु उनके आसपास मंडराती मौका परस्त बिरादरी उनके सार्थक प्रयासों में पलीता लगाने का कार्य कर रही है, जिससे जनमानस में आक्रोश है। नगर परिषद बड़ौनी का ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां बगैर किसी सूचना के सरकारी विभाग के कबाड़ का सामान रातों रात कबाड़ी को बेच दिया गया, जिसमें कंटेनर, कचरा गाड़ी, लोहे के अनेकों उपकरण शामिल हैं। लोगों को जब इस बात का पता चला तो लोगों में आक्रोश फैल गया। शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आधा लाख का सामान बेचने वाले का नाम मुकेश बेडर बताया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष ने बेचे गए सामान के संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि कबाड़ी तक सामान कैसे पहुंचा और कैसे वापस आया। कबाड़ी अवधेश गुप्ता का कहना है कि 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुकेश बेडर से उन्होंने कबाड़ा खरीदा था। लोगों को जब पता चला तो मुकेश बेडर ने सारा कबाड़ा गोदाम से उठवा लिया और उनके द्वारा दिए गए 35,000 रुपए वापस कर दिए गए। अवधेश कुमार गुप्ता, क्या काम करते हैं आप? कबाड़े की दुकान है जो नगर पालिका का, जो पुराना सामान वगैरह कबाड़े का सामान बेचा गया है आपके पास? बेचा गया था? बेचा था ना। कौन आया था लेके? मुकेश आए थे नगर पालिका। पूरा नाम बताओ। मुकेश कुमार गुप्ता। अच्छा, नगर पालिका के पूरे जमादार कौन कौन थे, उनमें का नाम बताओ। वो बुला थे। कब आए थे आपके पास? परसों की बात है। कितने का माल था? वो होगा कम से 30-35,000 रुपए का माल। पेमेंट किसने लिया था आपसे? पेमेंट तो गब्बर ने लिया था, नगर पालिका। गब्बर कौन है? गब्बर एक हैदराबाद है। वो ले गया था? किसके कहने पे? मुकेश कुमार गुप्ता ने भेजा था। बेड़र? पूरा नाम बताओ, क्या नाम है उनका पूरा? मुकेश कुमार बेड़र। कौन है वो नगर पालिका में? नगर पालिका से कोई है करता धरता है। अच्छा, और यहाँ जो मटेरियल पूरा पड़ा है कौन ले गया है इसको यहाँ के उठा? वो बिना के नगर पालिका वाले ट्रैक्टर ले गए। आपने दिया बोले नगर पालिका की नीलामी नहीं भाई, आदमी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, चक्कर में भी ले गए, हमको पैसा दे रहा है। पैसा वापस कर गया? पैसा पूरा वापस आ गया। कितना? 35,000 रुपये था वो, पूरा हमको वापस मिल गया। पहले लेकिन नगर पंचायत का माल चोरी होने की जो चर्चाएं चल रही हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नगर पंचायत का जो माल बेचा है वो दुकानदार भी मेरे पास में खड़ा है, वो बता रहा है जो पर्दे के पीछे से जो नगर पंचायत चला रहे थे 5 साल से या 6 साल से। क्या नाम है उनका? बेचा है उनका मुकेश बेड़ा नाम बता रहा है, जिसने खरीदा है वो आदमी मुकेश बेड़ा नाम बता रहा है। पंचायत की संपत्ति में जिला मतलब ये एक बड़ौनी की नगर पंचायत की संपत्ति है, ग्राम के हर व्यक्ति की संपत्ति है। जो नगर पंचायत है वो हर व्यक्ति के संबंधित है, नगर के सब काम होते हैं। जो भी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है, और जिसने ये बेचा है वो कानून के खिलाफ, हम लोग इसमें ये चाहते हैं कि उस पर जो भी हो वो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते और नगर पंचायत के हित में आप अपना अगला कौन सा कदम उठाएंगे? हम अपना अगला कदम उठाएंगे, हम बड़ौनी की जनता के साथ में हैं, बड़ौनी की जनता के साथ में चल करके हम FIR कराएंगे। FIR कराएंगे जिसने भी इसको बेचा है, और दुकानदार जी सामने जी अपने आप बता रहा है कि मुकेश बेड़न ने बेचा है हमको, हमें तो कोई पता नहीं है ना, हम कहीं लेने गए। 50 लाख की कटा हुआ माल, 50 लाख रुपये का माल, मतलब 50,000 रुपये का माल इनने बेचा है। नगर परिषद बड़ौनी को अस्तित्व में आए हुए लगभग एक दशक होने जा रहा है, जिसमें पर्दों के पीछे रहने वाले तथाकथित शख्स ने शासन द्वारा आवंटित राशि को खुर्द बुर्द करके नगर परिषद को लाखों की राशि में चूना लगाया है, जो जांच का विषय है। वन मैन शो की तर्ज पर संचालित नगर परिषद बड़ौनी के प्रत्येक कार्यों के दस्तावेजों की जांच होना आवश्यक है। विकास के भागीरथ के साथ फोटो खिंचवा कर उनकी छवि धूमिल करने वाले लोगों के कारनामे धीरे धीरे जनता के सामने आने लगे हैं। बगैर किसी प्रेस विज्ञप्ति जारी किए नगर परिषद का सामान बेचना अपराध है। अपराधी की क्या सजा है, यह एक यक्ष सवाल है। उक्त मामले के बारे में CMO रमेश सगड़ से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि सारा सामान रिपेयरिंग के लिए भेजा गया था, अगर अन्य कोई बात है तो संबंधितों को नोटिस जारी किया जाएगा, जरूरत हुई तो FIR भी दर्ज कराई जाएगी। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।